दीनदयाल उपाध्याय की 103वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने प्रति कुलपति हरिशरण व विश्वविद्यालय के अध्यापक गणों ने पुष्प चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर कुलपति की अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ में एक विचार गोष्ठी पर आयोजित किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा समाज के लिए किए गए प्रयासों को याद किया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हरिशरण, रूसा समन्वयक रजवंत राव सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, हर शरीर मंदिर सा पावन जहां माँ प्यारी है, लेकिन कार्यक्रम हम लोग करने के दृष्टिकोण से कल आदरणीय कुलपति साहब का स्पीड पर क्योंकि हम लोग उनके साथ मिलकर तमाम प्रकार के काम करते हैं। कभी भी उनको कि अपने कहते हैं कि बड़े इलाके मौजूद हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके सरकार अध्यक्ष भी हैं साथ में, हमारे बीच में उनका सौभाग्य है। इसी में से डॉक्टर विक्रांत कौशिक जी, आप जो है आप जानते हैं, आपको एक मंत्री स्तर का दायित्व मिला है और उसमें युवाओं के बीच में निरंतर आप उनको पाएंगे। उनका जब भी आप मिलेंगे आप किसी जरूर युवाओं से गिर रखें। आज के दिन में विद्यालय पर कोई अगर अपना भाई अपना मित्र अपने ही काम को आगे बढ़ाता है तो बढ़िया आनंद आता है। आज दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय जो उनके नाम पे ही रखा गया है, सभी शिक्षकों कर्मचारियों छात्र छात्राओं ने उनका पुष्पार्चन करके उनके दिए गए सिद्धांतों का, उनके दिए गए विचारों का पालन करने का वचन लिया है। और हम सभी लोग जो उनके विचारधारा थी, जो राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण था, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी सबसे अपेक्षा है।